Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore every day. Download the app now. स्पोर्ट्स तक में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आईपीएल से पहले जैसा कि हम नो योर टीम आपके लिए लेकर आते हैं, आज बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की। अनुज बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, आप पिंक में आए हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। आज आप भी मुस्कुरा रही हैं राशिका, आप पिंक में आई हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। जी राजस्थान रॉयल्स के लिए। तो अगर आप आरआर के फैन है तो अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले तीन ये रिटेन प्लेयर, संजू सैमसन उनके कप्तान है, जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल जिन्होंने काफी अच्छा किया था, उनके लिए प्रॉमिसिंग यंगस्टर है, उनके साथ वो गए थे रिटेन किया था। और अब मेगा ऑक्शन के बाद राजस्थान का जो पूरा स्क्वाड है वो यहां पर आपके सामने एक एक कर आपको बता देते हैं और उसके बाद थोड़ी सी चर्चा करेंगे प्लेयर्स पर। आर अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, शिमरन हेटमायर, देवदत्त पडिक्कल, कुलदीप सेन, प्रसिद्ध कृष्णा, आर्यन पराग, युजवेंद्र चहल, केसी करियप्पा, करुण नायर। और यहां से अगर देखा जाए तो नवदीप सैनी, ओबेद मैकॉय, अनुनय सिंह, ध्रुव जोयल, तेजस बरोका, कुलदीप यादव, शुभम गढ़वाल, डैरिल मिचेल, राशि वेंडर डुसॉन, नेथन कोल्टनाइल और जेम्स निशम, यानी जिमी निशम। ये बढ़िया सी एक बढ़िया सी टीम है। आप बैलेंस टीम बढ़िया है, बॉलिंग भी ऑप्शन इनके पास है, बैटिंग भी। अगर ये तीन आपने ऊपर बल्लेबाज देख लिए हैं, संजू सैमसन, जॉर्ज बटलर, यशस्वी जायसवाल, आरसीबी से आ गए हैं देवदत्त पडिक्कल। यहाँ पर आपने इससे पहले जब हम बैंगलोर के फैंस हैं उनको राजस्थान के स्क्वाड से थोड़ी सी नाराजगी होगी क्योंकि एक तो आप जैसा आपने बोला देवदत्त पडिक्कल को ले गए जो हमारे लिए बड़ा अच्छा कर रहे थे, हमारे लिए इन द सेंस मैं बैंगलोर की फैन हूँ इसलिए ऐसे बोल रही हूँ, नाराज मत हो जाएगा आप लोग। और बाकी युजवेंद्र चहल को आप ले गए जो विकेट टेकिंग तो है ही, मैच विनर एकदम, नवदीप सैनी को लेकर गए। आप ले गए मतलब क्या होता है, आपने जाने क्यों दिया? बैंगलोर की गलती है, बिल्कुल आई एग्री, बैंगलोर की गलती, उन्होंने अपने प्लेयर्स अच्छे प्लेयर्स जाने दिए तो दूसरा तो फायदा उठाएगा। कहीं ना कहीं ये तीन जो खिलाड़ी हैं ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, की पॉइंट बन सकते हैं क्योंकि जो मैं इससे पहले कह रहा था तीन बल्लेबाज ये हो जाते हैं, उसके बाद में अगर आपने देवदत्त पडिक्कल का नाम लिया वहां पर वो, और शिमरन हेटमायर जो कि दिल्ली कैपिटल्स में प्रीवियस सीजन खेले थे, राजस्थान के रंग में रंग चुके हैं वो, यार बड़ी बड़ी स्पेशल चीज है। दिल्ली आए थे वो पूरे बाल नीले हो गए, यहाँ आए हैं पूरे बाल पिंक हो गए। बट ये फन है, ये मुझे लगता है आईपीएल के जो कलर्स है ना यही तो असली मजा है। और शिमरन हेटमायर तो काफी स्टाइल के लिए चर्चा में रहते भी है। और अनुज राजस्थान के जब आप स्क्वाड देखेंगे तो दो प्लेयर्स हैं जिन पर आपकी नजर जाएगी ही जाएगी, जॉस बटलर और आर अश्विन। इन दोनों को साथ में देखने के लिए सब बड़े एक्साइटेड हैं कि आखिर वहां पर फुल स्टॉप कैसा लगा और उसके बाद इनकी जो बॉन्ड होता है इनका मैदान में वो कैसा दिखने वाला है। बिल्कुल, जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ था उसके बाद अगर आपने अश्विन का ट्विटर हैंडल या फिर इंस्टा भी देखा होगा तो ट्विटर में शायद उन्होंने ये ट्वीट भी किया था, फन एलिमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए। और कहीं ना कहीं अच्छी बात है, स्क्वाड एक बढ़िया स्क्वाड लग रहा है। यहाँ पर आपके पास में युजी चहल भी आ गए, आपके पास में अश्विन भी आ गए, आपके पास ट्रेंट बोल्ट है, आपके हाँ स्पिनिंग ऑप्शन के अलावा आपके पास अगर तेज गेंदबाजी की बात करें ट्रेंट बोल्ट के का साथ देंगे, प्रसिद्ध कृष्णा भी एक दो बढ़िया तेज गेंदबाज के ऑप्शन बनते हैं, साथ ही साथ नवदीप सैनी भी हैं। ज्ञान पराग से भी बहुत होगी क्योंकि एक अगर वो मिडिल ऑर्डर पर आते हैं जब बल्लेबाजी करने, पिछला सीजन उनका उतना ज्यादा खास नहीं रहा था लेकिन फिर भी रियान पराग को लिया है राजस्थान रॉयल्स ने इस बार ऑक्शन में भी। और उम्मीद तो यही करूंगा कि इस बार कम से कम आप ऑलराउंडर में अपनी अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें, गेंदबाजी भी ये कर ही लेते हैं तो कम से कम बल्लेबाजी इनकी अच्छी हो जाए ताकि मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथ मिल सके राजस्थान की। और बाकी मुझे लगता है कि कप्तान संजू सैमसन से भी हमें काफी सारी उम्मीदें होंगी क्योंकि इंडिया के लिए भी अब इन पर नजरें रहती हैं हमेशा, लेकिन एक वही चीज है ना कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, वो चीज हम अब उम्मीद करेंगे कि संजू सैमसन वो भी लेकर आए इस आईपीएल में। बाकी अगर आप राजस्थान के फैन है तो आप जानते हैं आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है, 6 मिलियन का जो ये परिवार है उसको और ज्यादा बड़ा करना है क्योंकि आईपीएल में सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ आपको रहना है क्योंकि यहीं पर आएगा आपको असली मजा इंडिया के त्योहार का। थैंक यू।